अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स, आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कराची ट्रांसपोर्ट में बहुत सारी भर्तियां आ चुकी हैं, आपने इसको किस तरह अप्लाई करना है। अप्लाई की जो आखिरी तारीख है वो है 5 अप्रैल 2023। इसका कंप्लीट क्राइटेरिया हम आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो इससे पहले कि मैं आपको ये कह दूं कि हम वीडियो को स्टार्ट करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपके पास आने वाली तमाम की तमाम और लेटेस्ट के लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच रहे। दोस्तों सबसे पहले आपने करना क्या है, आपने हमारी वेबसाइट को ओपन कर लेना है youjobstart.pk को। जैसे ही आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आपने ये वाली पोस्ट को ओपन करना है, कराची पोर्ट ट्रस्ट 2023। इस पोस्ट को ओपन करने का मकसद ये है कि आपके साथ जो एडवर्टीजमेंट है वो आप डाउनलोड कर सकें और इसका एप्लीकेशन फॉर्म आप डाउनलोड कर सके और अप्लाई करने का मुकम्मल तरीकाकार भी इस वीडियो में आपको कंप्लीट गाइडेंस के साथ बताया जाएगा। सबसे पहले मैं इस पोस्ट को ओपन कर लेता हूं ये वाली को, और मैं आपको कंप्लीट क्राइटेरिया बता देता हूं कि जॉब पब्लिश कब हुई है और इसकी लास्ट डेट कब है। दोस्तों एक और चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि ये जो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं इसके ऊपर आके, तो इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि आपको जितनी भी नई पोजीशंस आती हैं पूरे पाकिस्तान में वो आपको कंप्लीट क्राइटेरिया के साथ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दी जाती हैं, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं नीचे आता हूँ और जॉब की डिस्क्रिप्शन के बारे में कंप्लीट आपको ओवरव्यू देता हूँ कि कंप्लीट जॉब का ओवरव्यू क्या है और कितनी पोजीशन है और क्या क्या क्वालिफिकेशन इसके लिए ज़रूरी है। जॉब पब्लिश हुई है 22 मार्च 2023 को और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 05 अप्रैल 2023। अभी काफ़ी दिन बाकी हैं, आप इस जॉब को अप्लाई वगैरह कर सकते हैं। इसकी मैं पोजीशंस की बात करूँ, इसके अंदर जो जॉब की पोजीशंस आई हैं वो 3 पोजीशंस आई हैं। ऑफिसर इंचार्ज की पोजीशन आई है फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकंड पोजीशन आई है पोर्ट सेफ्टी ऑफिसर की पोजीशन आई है और ऑपरेशन रूम ऑफिसर की पोजीशन आई है। ये रहा एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक, आप इसको भी यहाँ से आके क्लिक आउट करके डाउनलोड कर सकते हैं और नीचे एडवर्टीजमेंट का लिंक है। रही बात अब अप्लाई करने की, मैं एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक आउट करता हूँ, ये रहा इसका एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म को हम किस तरह फिल आउट करेंगे इसका भी मैं कंप्लीट आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपने करना क्या है, आपने इनके इस एड्रेस को डाउनलोड करके इसका प्रिंट निकलवा लेना है। निकलवाने के बाद आपने यहाँ पर लिखना है कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अप्लाई करने के बाद आपने यहाँ पे अपना नेम लिखना है, अपना फादर का नेम लिखना है यहाँ पे, और नीचे आपने अपना जेंडर सेलेक्ट करना है और अपनी यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, और यहाँ पे आपने अपना CNIC लिखना है नंबर, और मोबाइल नंबर भी आपने यहाँ पे अपना लिखना है। यहाँ पे आपने अपना ईमेल एड्रेस लिखना है और ये सारा बिल्कुल जो जो क्राइटेरिया आपको बताया गया आपने ईजिली सबमिट इसको कर देना है। नेक्स्ट चीज़ के ऊपर हम चलेंगे, ये वाले डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। इधर क्या है, आपने किस पोस्ट के लिए और कहाँ से आप अप्लाई कर रहे हैं, आपने वो सिलेक्ट करना है, अपना सिलेक्शन सेंटर सेलेक्ट करना है कि आप किस सिलेक्शन में आके आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। आपने बिल्कुल सादी सी इंफॉर्मेशन है सारी फिल आउट करके, फिल आउट करने के बाद अब आपने इनके ऑफिशियल एड्रेस के ऊपर सबमिट कर देनी है। ये इनका ऑफिशियल एड्रेस एडवर्टीजमेंट के ऊपर लिखा हुआ है, तो आप इसके ऊपर आके इजीली यहाँ पे आप सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको आप इस जॉब के लिए इंटरेस्टेड नहीं है तो आप किसी और जॉब की तरफ भी जा सकते हैं। मेरा मकसद था कि आपके साथ जो भी पाकिस्तान में नई एडवर्टीजमेंट आती हैं वो आपके साथ मैं शेयर किया करूं ताकि आपको कंप्लीट जॉब्स की क्राइटेरिया आपको समझ आ सके। दोस्तों उम्मीद करूंगा कि आपको आज वाली वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं या वेबसाइट के ऊपर कमेंट कर सकते हैं या ग्रुप को ज्वाइन करके आप वहाँ पे आके अपने जो ख्यालात हैं वो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करूंगा कि आपने अभी तक हमारी वीडियो वॉच की होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।